चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। शासन स्तर पर जो है कई सारे फैसले लिए गए हैं। निर्धारित समय अवधि में निकाय बोर्ड बनाना होगा, तो निकाय चुनाव को लेकर काफी दिनों से हम कह सकते हैं कि चर्चाएं चल रही है और अब बताया जा रहा है कि तैयारियां शुरू हो गई है। किस तरह से तैयारी हो रही है, किस तरह से चुनाव होंगे, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, इन तमाम बातों की जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर हम देख रहे हैं काफी दिनों से चर्चाएं चल रही है, हॉट टॉपिक है फिलहाल का अगर हम उत्तराखंड की बात करें, और ऐसे में अब बताया जा रहा है कि चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है और शासन ने कई सारे फैसले लिए हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, निकाय चुनाव होने हैं और जो चुनाव के व्यवस्थाएं उनको मुकम्मल किया जा रहा है। विभागीय स्तर पर लगातार जो चुनाव से संबंधित जो तैयारी है वो की जा रही है, चाहे वो ओबीसी के आरक्षण की बात हो, चाहे वो मतदाताओं की सूची की बात हो, चाहे वो परिसीमन की बात हो, जो निकाय क्षेत्र हैं इनमें जो परिसीमन किया जाना है, तो सभी पहलुओं पर फोकस किया जा रहा है। और आरक्षण के लिए जो एकल सदस्य जो आयोग गठित किया गया था, जो एकल सदस्य समर्पित आयोग गठित किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। लेकिन जिस तरह से आरक्षण की रिपोर्ट में कुछ क्षेत्रों में जो मानकों के अनुरूप आरक्षण होना चाहिए था वो नहीं हुआ, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा आरक्षण का प्रतिशत सामने आ रहा है, तो इसका भी संतुलन बनाना होगा। और चूंकि इस वक्त उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, तो ऐसे में जो भारत निर्वाचन आयोग है उससे ये अनुमति लेने की कोशिश की जा रही है कि तय समय में उत्तराखंड में निकाय चुनाव कराए जा सके। दो आचार संहिता एक समय में लग पाएंगी, क्या चुनाव हो पाएंगे इसकी तस्वीर तब साफ हो गई थी जब कोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से ये शपथ पत्र दिया गया था कि जो तय समय सीमा है इसी में चुनाव करा लिए जाएंगे। तो जो चुनाव से संबंधित तैयारी है उनको किया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो भी व्यवस्थाएं उनको व्यवस्थित करने के बाद तय समय में हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो निकायों की व्यवस्थाएं हैं वो प्रशासकों के पास है, जो जिले के जिलाधिकारी हैं सभी वो बतौर प्रशासक जो रूटीन के कार्य हैं उनको कर रहे हैं। हालांकि निकाय से संबंधित जो नीतिगत फैसले वो नहीं लिए जा सक रहे हैं, क्योंकि बीते 2 दिसंबर को निकाय के बोर्ड का कार्यकाल पूरा हो चुका है और 2 जून तक का ये समय है। तो ऐसे में अब विभागीय अधिकारी के सामने चुनौती है कि आखिर किस तरह से निकाय के चुनाव को करा पाएंगे, और जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति मिल जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग उसके बाद इसकी अधिसूचना जारी कर पाएगा। बिल्कुल, अगर जिम्मेदार अधिकारियों की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर वो कितने सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्देश तो दिए जा रहे हैं आगे से, लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ग्राउंड लेवल पर कितना काम चल रहा है, क्योंकि काफी दिनों से चुनाव जो है डिले हो रहे हैं, जिसके चलते जो है काफी ज्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, परेशानी भी आएगी। तो ऐसे में अगर हम ग्राउंड लेवल की बात करें तो किस तरह से काम किया जा रहा है अधिकारियों के सामने, चूंकि एक नहीं बल्कि 3-3 ऐसे कार्य हैं जो कि पूरी तरह से अभी पूरे नहीं हो पाए हैं, और खास तौर से आरक्षण पर अगर हम गौर करें तो ये कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए ग्राउंड जीरो पर इसको संतुलित तरीके से धरातल पर उतारना एक चुनौती है। इसके साथ साथ जहां निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों में सियासी माहौल देखने को मिल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रशासक हैं और जो निकाय के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो गंभीरता से इस पर गौर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जितनी भी चुनाव से संबंधित प्रक्रिया है, चाहे वो मतदाताओं से संबंधित, चाहे वो आरक्षण से संबंधित या जो अन्य व्यवस्थाएं, इनको तय समय सीमा, क्योंकि पहले से ही जब निकाय के बोर्ड का कार्यकाल समाप्त हुआ था तब से ही चुनाव होने हैं, कितने समय में होंगे इसी को लेकर के तैयारबाजी लग रही थी, और जैसे ही भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति दी जाएगी उसके बाद इस तय समय सीमा में जो चुनाव कराएंगे, तो देखना होगा कि जो अधिकारी तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने के निकाय से संबंधित दावे कर रहे हैं आखिर उनकी सच्चाई क्या है, कुछ समय बाद ये पूरी तरह से साफ हो जाएगी और सामने आ जाएगी। बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ सोनू, जल्दी आपका रुख करते हैं। तो दर्शकों को बता दें कि खबर उत्तराखंड से, जहां निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है और कुछ ही समय बाद निकाय चुनाव यहां पर होंगे।